इसको भी बॉईल कर देना। हा, ये मेरा छोटा पता था। क्या पता था आपको? नहीं पता था, पता था। नहीं पता था। नहीं वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। ये हमेशा की तरह मेरी फेवरेट प्लेस है। मैं बाहर बैठता हूँ सुबह ठंडी, आज तो बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है, बहुत प्यारी बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारी, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बारिश हुई है, यहाँ ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस मस्त, मैं तो बैठ लेता हूँ एक डेढ़ घंटा बाहर आराम से सुकून से, और इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ, क्या मतलब एक नई खोज में कि क्या कुछ नया कुछ अच्छा मिल जाए। तो और नीचे चल रहा है वर्कआउट, चलो फिर वर्कआउट देखते हैं। ओ लॉक कर लिया वो आएगी। मैं हूँ भाभी। बंद कर दिया। आह आह आह, कैसा लगा मेरा मजा? ज्यादा हाथ नहीं मारने लग गए आजकल? हाँ अच्छा, भजन चला दिए। तो भाई बात ऐसी है कि अगेन वही ड्यूटी। तो अभी निकला हूँ, दूध लिया है और छाछ ली है, अंडे लिए हैं, और हेमलता ने स्पेशल मंगाए थे आंवला, तो आंवले लिए हैं, और अपने लिए मैंने चुकंदर लिया है सैलेड के लिए। तो भाई ब्रेकफास्ट करना है, भूख लग रही है, और आज मतलब इतने तेज अभी सर में दर्द हो रहा है ना, क्योंकि आज है ना मेरी मतलब नींद पूरी नहीं हुई, मैं रात को ही 3 बजे के बाद सोया हूँ, और सुबह भी कहीं जाना था, कोई मीटिंग थी, उसके चक्कर में सुबह जल्दी उठ गया 7 बजे ही। और जो अंकल गाली देते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, डेली का रूटीन है, डेली का भाई। हम तो सुबह यहाँ पर कभी कभार शांति मिलती है, वरना तो रोज गालियों के पड़ोस में रहते हुए गालियों की आवाज़ सुन सुन के ना दिमाग कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो अंकल जी ये बैठे, अंकल जी ये देखो इनको, ये आते जाते गाड़ियों वालों को बोलते हैं। अब बताओ ऐसे में कोई अपने बच्चे को क्या मैनर्स दे। हेलो जी, पकड़ो दूध, छाछ भी ले आया मैं, छाछ। आप क्या बोल रहे थे मुझे? आंवले का बोल रहे थे, तो ठीक से ही नहीं बोलते मुझे। ठीक से क्या बोलूं, मुझे लगा आप चले गए तो आपने सुन लिया है। तो मैं पूछ तो रहा था, आप ऐसे कर रहे थे, चिल्ला रही थी मैं तो, आपको आवाज जा रही थी, मुझे लगा आपने सुन लिया, फिर आप चले गए। नहीं सुना तो नहीं सुना, अब क्या करूं। गाड़ी में से आमले लेने आया हूँ अभी, बोलिए मैं कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, अभी देखना, अभी एक्सप्रेशन देखना। ओ भाई पैकेट उठा लो, अंडे भाई आराम से उठाने पड़ेंगे, अंडे आराम से फुर्सत से। ओ अंडे है वो, अचक से रखना आराम से, अचक से ही रख रही हूँ, बोर के मन को फेंक के मार रही हूँ, अंडे हैं तो। हेलो जी मेरे चुकंदर आ गया। अपना चुकंदर बड़ा याद रहा, अब चुकंदर याद ही रहेगा, मुझे खाना था तो इसलिए याद रहा। अब मुझे थोड़ी ना पता था आपके लिए आंवले लाने, आप मुंह कितने टाइम से क्या बोल रहे हो आप, चले जाते हो आप, भूल जाते हो, जाते हो निकल जाते हो, जब याद नहीं आती। अब आपकी सारी चीजें मैं ही याद रखूंगा क्या? कौन रहेगा, पड़ोसी को लाऊं याद रखने के लिए? सामने वाले बुड्ढे को बोलो।
उसको एक ही चीज याद है बस वो मैं कैमरे में नहीं बोलती 5 बजे से एक ही चीज सुनती हूँ उसकी। अरे भगवान, किसी की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। हम बाहर से कभी कभार तो मैं सुकून से बैठ पाता हूँ, कभी कभी नहीं होती है गालियाँ। लो जी ए रख लो जी, इनका क्या करूँ मैं, यहाँ पे नीचे लेके जाऊँ? अच्छा नीचे लेके जाऊँ, ये भी ले जाना, ये भी ले जाना। इधर क्या हो हमारे साथ, क्या रख के इनको, एक बार आओ ऊपर। ओके रख के आता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ इंडक्शन पे रख दूँ? बॉयल खाओगे आप? इसको भी बॉईल कर देना। ई हा हा हा, क्या हुआ, कहो हो मेरे बच्चों, कहो हुआ, ओ खुशी हुई या दुख हुआ? आई लाइक सरप्राइजेस। ऐसे कैसे हो सकता है मैं आपकी लिपसिंग ना पढ़ पाऊँ? क्या चाहिए आपको? आप डाउट करते हो मुझे कभी कभी। हाँ तो ये मेरा छोटा सा क्या पता था आपको? नहीं पता था, पता था। नहीं पता था नहीं है पता था चुकंदर के नीचे कैसे पता था? कैसे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कुछ मंगाऊंगा लेके ना आओ। तो तब भी इतना सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे, क्या सुनाया था? पता है मुझे क्या सुनाया था। हाँ तो आप ऐसे सरप्राइज दे सकते हो तो मैं बोल नहीं सकती, मैं आपकी सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहती। अच्छा आगे से अब आगे से देखूंगा, ठीक है ना, जब भी बोलते हो ना आगे से देख। अब तो बिल्कुल नहीं एडिट करूंगा। भाई सुबह सुबह बहुत मजाक हो गया, बहुत प्रैंक हो गया भाई। छोटे छोटे प्रैंक ही कर सकता हूँ मैं, तो बड़े प्रैंक कर ही नहीं सकता। देखा, ये छोटा प्रैंक कर रहा था तभी इसको पता था, मुझे पता था आप प्रैंक कर रहे हो, मुझे पता था आप मजाक कर रहे हो। बताओ मैं बड़े प्रैंक कैसे करूँ? बड़े प्रैंक के लिए तो बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है भाई। तो चलो जल्दी से, हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है, चलता हूँ मैं तो, नीचे भूख लग रही है। बाय। तो भाई नाश्ता तो हो चुका है और नाश्ता करके अभी मैं निकला हूँ हेयर कट के लिए, बिकॉज कल गए थे घर की तरफ शाद के लिए, तो कल ही कट करवा लेता, बट कल था ट्यूसडे, मंगलवार को हम हेयर नहीं कट करवाते, तो इसीलिए जल्दी से, क्योंकि अभी हिमलता को इसलिए नहीं लेके जा सकता था क्योंकि सिस्टी का आने का टाइम हो रहा है और 12 बजे वो आ जाती है। लो जी लग गई हमारी गाड़ी और ये आ गई हमारी मार्केट, चलते हैं। हेयर मतलब स्मॉल, यहाँ से मतलब साइड के छोटे ही कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, ऊपर के ज्यादा शॉर्ट है, पहले थोड़े साइड के, हाँ साइड के थोड़े से माइनर से कम मतलब छोड़ देना, ऊपर की लेंथ आप देख लेना। अरे बाप रे, क्या भयानक गर्म हो रही है गाड़ी, बहुत भयंकर। तो भाई हेयर कट हो चुका है, अभी थोड़े स्टिकी इसलिए ज़्यादा चिपकी चिपकी आपको लग रही है क्योंकि हेड वॉश किया नहीं है ना,
हेड वॉश करूंगा तब हेयर कट समझ में आएगा, और अभी जाके ट्रिमिंग भी करूंगा। तो चलते हैं, फिर मेरी क्लास जाने का टाइम हो जाएगा। वाह, बाहर देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, कितने काले बादल हो रहे हैं गाइस, वो देखो सामने इतनी मस्त हवा चल रही है। ओ मेरा जाने का मन नहीं कर रहा ऐसा मौसम देख के, मन कर रहा है बाहर जाए कहीं घूमने के लिए। वाओ। क्या वाओ, मौसम वाओ, मौसम वाओ, मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। बाहर तो बारिश शुरू हो चुकी है भाई। तो गाइस मस्त वाली बारिश हो रही है यार, मस्त वाली, बट जाने का मन नहीं कर रहा है। करेक्ट 3 बजे मैं निकला हूँ अभी, और हेयर कट करने के बाद मैं आया सीधा, उसके बाद फिर मैंने ट्रिमिंग की, उसके बाद फिर नहाकर अब खाना खाया, कपड़े प्रेस किए और फिर निकल गया। और मेरे निकलते ही तेज बारिश शुरू। देखो गाइस वहां पर देखो कितना काला बादल है, बिल्कुल वहां पर, उधर बारिश और ज्यादा तेज। Many hours later. Hey guys, तो सीधा रात में फिर से वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास करने के लिए गया, फिर उसके बाद आया चाय वगैरह लेके, फिर मैं अपना ही काम कर रहा था। और अब डिनर हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं, और पेंटिंग देखो मेरी इतनी हो चुकी है। अभी है गाइस सोने का वक्त, बिकॉज कल भी रात को मैं 3 बजे के बाद ही सोया था। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ व्लॉग का एंड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी सोने जाना है। और हेमलता लगी हुई है फ़ोन में, और सिस्टी कर रही है अपनी पढ़ाई अंदर रूम में, बिकॉज़ हम यहाँ पर लैपटॉप में मैं मूवी देख रहा था। खाना खाते वक्त हम कोई भी मूवी चला लेते हैं, और वो मूवी है ना हमारी 3-4 पार्ट में ख़त्म होती है, क्योंकि हम आधे घंटे तो देखते ही हैं, क्योंकि खाना आराम से खाते हैं, फिर आधे घंटे तक वो मूवी चलती है। और आगे की प्लानिंग आपसे शेयर करते रहेंगे, इसके साथ आपको व्लॉग वाले चैनल पर बने रहना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे। और हाँ, होप आपने जो इंटरव्यू आया है वो आपने देख लिया होगा अब तक, तो उसका रिव्यू बताना। और अभी सेकंड इंटरव्यू आएगा जो मेरा और हेमलता का था, तो बहुत जल्दी आएगा, जैसे ही आएगा फिर मैं उसके लिए भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। और हमारा व्लॉग एंजॉय किया तो लाइक किए बिना मत जाना, इससे बूस्ट मिलता है यार, कमेंट कर दोगे तो उससे भी बूस्ट मिलता है कि हाँ भाई कंटिन्यूटी में बनाते रहें, और भी आपको अपडेट देंगे। चलो ओके। बाय, गुड नाइट गाइस।